गोविंद सागर झील के किनारे बने लुहनु मैदान में अग्निवीर भर्ती में ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर जिला के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, जहां एक और भर्ती में आने वाले युवाओं के रहने व खाने पीने के पुख्ता प्रबंध किए गए थे, तो साथ ही भीड़ की स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए एंट्री व एग्जिट गेट, हेल्थ चेकअप, डॉक्यूमेंटेशन काउंटर भी लगाए गए थे। बता दें कि अग्निवीर सैन्य भर्ती में तीनों जिलों में अभी तक करीब 2500 युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 1300 युवाओं ने ग्राउंड टेस्ट क्लियर किया, तो साथ ही 600 युवाओं ने मेडिकल टेस्ट पास किया। वहीं बिलासपुर में आयोजित अग्निवीर सैन्य भर्ती के दौरान व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने बताया कि तीनों जिलों से अग्निवीर भर्ती के लिए आने वाले युवाओं की सुविधा के मद्देनजर हर तरह की व्यवस्था की गई थी, जिसको लेकर वह सैन्य भर्ती अधिकारियों से समय समय पर फीडबैक लिया गया। अग्निवीर भर्ती जो चली हुई है वो तीन जिले को केटर कर रही है, वहाँ के बच्चों को, एक हमीरपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, ऊना जिला के। और अभी तक जो फीडबैक है आर्मी वालों से वो ये है कि बहुत शांतिपूर्वक सारा प्रक्रिया चल रही है, बच्चों ने दौड़ में पार्टिसिपेट किया और बच्चों का 9 तारीख तक ये सारा सिस्टम चलेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह। अब कोई समस्या ऐसे सामने नहीं आई, बहुत शांतिपूर्वक हुआ। और वहाँ की व्यवस्था जो हमने ग्राउंड पर भी जाके देखी और प्रशासन और भी अधिकारियों ने देखी, वहाँ पे सेटअप बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, फुल प्रूफ, एकदम प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट, हर एरिया मार्क्ड है, कहाँ डॉक्यूमेंट चेक होंगे, कहाँ फिजिकल उनके जो पीएमटी टेस्ट होता है बाय डॉक्टर्स वो होंगे, फिर कहाँ उनका मेडिकल एक है सेपरेट इंडोर स्टेडियम में वहाँ होगा। और दौड़ का ग्राउंड वाउंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, और पानी की व्यवस्था, बच्चों के भोजन की व्यवस्था, सुबह के नाश्ते की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से वो भी की गई हुई है। और उनके जो अंदर ग्राउंड पे वेटिंग में, जैसे सुबह दौड़ के बाद वो जब तक वेट करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, टाइम लग जाता है, उसके लिए भी वहाँ लेटने की, बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की हुई है। और ग्राउंड भी बहुत काफ़ी साफ़ है, और इसके लिए हम लोग, आप सारी टीम ने बहुत अच्छा सहयोग किया, सभी का धन्यवाद। और बच्चों को मेरी शुभकामनाएं कि जो भी जो मेरिटोरियस हैं वो सफल होंगे, सेलेक्ट होंगे। थैंक यू। बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट।